सभी किसान भाइयों को नमस्कार साथियों अब वो समय आ गया है जब हम मूल्यांकन तेजी से शुरू कर देंगे नवीनतम किस्मों का हम गेहूं के खेत में हैं और आज सिर्फ हम चर्चा करेंगे पी पंजाब ब्रेड व्हीट पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना की जो इसी साल रिलीज हुई है और किस्म का नाम है पी 826 इस किस्म की विशेषताएं ये हैं कि ये पूरे देश में जहां गेहूं लगता है जम्मू में कठुआ से ले हिमाचल में अगर बात करें तो तराई वाले क्षेत्र जो हैं ऊना है, है सिरमौर है नाहन है हरियाणा पंजाब पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ बिहार झारखंड असम और बंगाल जिन प्रदेशों के मैंने नाम लिए हैं विश्वविद्यालय के मुताबिक इन सभी प्रदेशों में पी वी डब्ल्यू आठ सौ छब्बीस जो है ये लगाई जा सकती है इसका बीच पहली बार ही सबको मिला है कि मैंने ब्रीडर सीड लिया है और इस प्लॉट में मैंने बहुत थोड़ा सा ही लगाया है दो किलो के आसपास सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए मैंने निगदू गांव में इसको लगाया हुआ है तो वो हम वीडियो कभी और कर लेंगे किसी दिन इसको हमने 19 नवंबर को बोया था 2022 में और आज तारीख हो गई है 17 फरवरी 2023 तो आइए हम इसका मूल्यांकन करते हैं विश्वविद्यालय के मुताबिक ये 100 सेंटीमीटर लंबी हाइट ही रखेगी और आप देख सकते हैं ये मेरे घुटने के तक ही है और फ्लैग लीफ इसका जो है काफ़ी चौड़ा है अभी कुछ बालियां निकल रही हैं कुछ निकल गई हैं तो आप टाइम कैलकुलेट कर लेंगे बहुत खूबसूरत लग रही है मुझको इसका डी बी डब्ल्यू तीन सौ इकहत्तर डी बी डब्ल्यू तीन सौ सत्तर तीन सौ बहत्तर से भी हम मूल्यांकन बाद में करेंगे फिलहाल आप खेत देखिए और इसके टिलर देखिए विश्वविद्यालय ने जो पिछले तीन साल इसके परीक्षण किए हैं उसमें उन्होंने एच डी उनतीस ताससठ एच डी तीस छियासी डी बी डब्ल्यू एक सौ सतासी जिसकी बहुत चर्चा है और डी बी डब्ल्यू दो सौ बाईस इनसे तुलनात्मक अध्ययन किया है और उनके मुताबिक पिछले तीन सालों में पी वी डब्ल्यू आठ सौ छब्बीस की पैदावार इन किस्मों से ज़्यादा पाई गई है इस किस्म ने विश्वविद्यालय के आंकड़ों के मुताबिक एच डी उनतीस से तो दिया है जी चौबीस प्रतिशत ज़्यादा पैदावार एच डी तीस छियासी से दी है दस दशमलव दो प्रतिशत ज़्यादा पैदावारी और डी बी डब्ल्यू एक सौ सतासी से दी है आठ दशमलव पाँच प्रतिशत ज़्यादा पैदावारी और डी बी डब्ल्यू दो सौ बाईस से पैदावारी दी है ज़्यादा चार दशमलव नौ प्रतिशत तो तीन साल के आंकड़े उनके बता रहे हैं कि पैदावारी ज़्यादा दी है तो उस पर हम विश्वास कर रहे हैं और क्योंकि ये लगभग बहुत ज़्यादा प्रदेशों में लगने की इसकी संभावना है तो इसका हम उत्पादन कुल देख लेंगे कि हरियाणा के परिपेक्ष में ये करनाल जिला में किस प्रकार से चल रही है नवंबर की 19 तारीख को हमने लगाई थी और आज 17 फरवरी हो गई है तो हम देख रहे हैं कि खेत बहुत अच्छा है फ्लैग लीफ काफ़ी चौड़ा है और फ्लैग लीफ ही भोजन बनाता है मैं किसानों को ये भी संदेश देना चाहूँगा कि इस अवस्था में आपकी कोई भी किस्म है जब गेहूं की तो आप उसमें ज़ीरो ज़ीरो पचास सिर्फ़ पोटाश का स्प्रे करेंगे एक किलो का पैकेट लेंगे और आठ टंकी बीस बीस किलो की जो है आठ टंकी जो बीस बीस लीटर की हैं तो एक सौ साठ लीटर पानी में उसको घोल के स्प्रे करना है और कुछ नहीं मिलाना है तो पोटाश जो है वो बना हुआ भोजन जो है पौधे से लेगा और दाने को भरने में सहायता करेगा उससे दाने ज़्यादा बड़े होंगे और चमकदार भी होंगे पैदावार में इजाफा होगा तो और किस्मों की तुलना में कैसी चल रही है इसका हम अलग अलग वीडियो हर किस्म का बना के आपको दिखाते रहेंगे आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि बहुतायत प्रदेशों में लगने वाली इस पी बी का प्रचार प्रसार हो और किसान भैया अगले साल थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट के लिए इनको अपने खेतों में लगाएँ सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ नमस्कार